टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बकरा ईद का त्यौहार नज़दीक है, मगर वहीं महाराष्ट्र सरकार ने सिर्फ बकरीद ही नहीं, इस कोरोना महामारी में सभी त्यौहार सादगी से मनाने के निर्देश दिए हैं। तो फिर चाहे वो गणेश उत्सव हो या फिर बकरीद, कोरोना की वजह से ज़िंदगी पर ऐसा असर पड़ा है कि त्यौहार भी इस साल हर बार की तरह नहीं मना सकते। बकरीद के मौके पर लोगों में बड़ी हलचल पहल रहती थी, लोग मंडी जाकर कुर्बानी के लिए जानवर लाते थे, मगर इस बार महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नियम जारी किए हैं। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि इस बकरीद को सादगी से मनाए, मस्जिद, ईदगाह या फिर किसी सार्वजनिक स्थानों पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, आप घर में नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा पशुओं के बाजार इस बार बंद रहेंगे, आप टेलीफोन के ज़रिए या फिर ऑनलाइन के ज़रिए खरीदी कर सकते हैं, मगर फिजिकल कहीं जाकर भीड़ करके खरीदी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ईद के मौके पर किसी भी तरह से मिलना मिलाना या भीड़ आप नहीं कर सकते हैं। साथ ही ये भी कहा है कि जो कंटेनमेंट जोन है उसमें ईद नहीं मनाई जानी चाहिए, ईद के मौके पर कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी, इस त्यौहार को सिंबॉलिक तौर पर मनाया जाए। कोरोना की वजह से मनपा और पुलिस या फिर किसी डिपार्टमेंट के तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं उन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, यानी कि सरकार ने साफ कहा है कि त्यौहार सादगी से मनाए, भीड़ ना करें और जारी किए गए नियमों का पालन करें। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।